दोस्तों आपका स्वागत है पूरज क्विड द वे टू द सक्सेस में। हम इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत, वहां पे हम चैप्टर वन को देख रहे थे। चैप्टर वन में हम पार्ट वन को देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ऑलरेडी, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी हम सारे एक्ट्स कर चुके हैं। यहाँ पे हम कंपनी रूल को देख रहे थे और कंपनी रूल में अब सिर्फ दो एक्ट बचे हुए हैं, उनको करना है। और आज हम क्राउन रूल आज से शुरू कर देंगे। यहाँ पे हम आज एक एक्ट पढ़ेंगे, तो आज हमको तीन एक्ट पढ़ना है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये काफी लेंदी होने वाला है, इसको हम पांच पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं कि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ये हमारा पार्ट थ्री है, तो शुरू करते हैं। आइए, यहां पर देखिए हमने ये सारे एक्ट जो हमने देखे थे यहाँ पे 1813 तक ये हम कंप्लीट कर चुके थे। कहाँ तक हो चुका था? 1813 तक हमारा हो चुका है। आज हम करेंगे 1833, 1853 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी तक देखिए आप हैंड रिटन नोट्स देख रहे थे, यहाँ पे कई लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि ये काफी डार्क दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। इसलिए अब मैंने आपके लिए टाइप करके ये प्रेजेंट किया है, तो देखिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज बताइएगा, मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो हैंड रिटन मैं चलाऊंगा। कंपनी रूल के जो एक्ट्स हैं इसमें से अब जो दो एक्ट बचे हुए हैं, इसमें पहला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी तक देखिए जो हमने छह एक्ट पढ़े हैं उसमें से तीन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इससे पहले वाला था। और यहां से जितने भी एक्ट होंगे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए आप इसमें कोई भी चीज मिस मत करिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा जो भी मैं कह रहा हूं। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ये क्या है, इसको आज से हम एक्ट कहेंगे। अभी तक जो एक्ट हमने पढ़े हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक, वो क्या थे? वो अभी तक रेगुलेशंस थे। आज का जो हमारा एक्ट है, यहां से जितने भी एक्ट बनेंगे, जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, ये क्या होंगे? ये एक्चुअल में ये एक्ट होंगे। इस एक्ट से सबसे पहली बार क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बना था, उसको आज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसका मतलब कि उसको ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई, उसको ज्यादा पावर दे दी गई, उसको कहा गया कि अब तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पूरे इंडिया को तुमको क्या करना है, पूरे इंडिया की टेरिटरी जहां पे भी ब्रिटिश रूल कर रही है वहां पे तुम्हारी पूरी अथॉरिटी होगी, तुम उसको पूरी तरीके से देखोगे। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज आपको क्लियर हुई, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये हमारा देखिए एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है कि जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई। एग्जीक्यूटिव पावर का क्या आप मतलब समझते हैं? अब ये रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते थे, जो भी लोग रहेंगे वहां पे ब्रिटिश इंडिया में, जहां पे इंडिया रूल कर रही थी, इंडिया में जहां पे ब्रिटिश रूल कर रहा था वहां के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते थे क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने, अब क्या हो गए थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुके थे, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, जो रिमेनिंग गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों की लेजिस्लेटिव पावर को पूरी तरीके से छीन लिया गया था। मतलब अब ये रूल रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे। पहले आपको मैंने बताया था ना कि तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, उसमें से तीनों को इक्वलेंट पावर थी, लेकिन यहां पर देखिए ज्यादा पावर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया, बंगाल को, तो अब ये सुप्रीम पावर हो गया और वो अब पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे इंडिया के बारे में अब वो लिखेंगे, और इससे पहले तक ऐसा नहीं होता था। और यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास की पावर को पूरी तरीके से ले लिया गया था। यहाँ पर अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी का अब पूरी तरीके से अब क्या कर दिया गया, जो कमर्शियल बॉडी जो थी ये, मतलब जो ये ट्रेड कर सकते थे, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई और अब ये प्योरली क्या हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते थे, मतलब कि अब वो एडमिनिस्टर करते कि जो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता था और उसको एग्जीक्यूट कराता था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुकी थी। और इस एक्ट ने सबसे पहली बार क्या किया, सबसे पहली बार कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया। जो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1833 से। लेकिन इस एक्ट ने क्या कहा, इस एक्ट ने कहा कि यहां पर हम इंडियंस को भी पावर देंगे कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को दे सके। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट से, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इंडियंस को हम सिविल सर्वेंट नहीं बनने देना चाहते हैं। तो ये ऑपोजिशन के बाद ये बात खत्म हो गई कि इंडियंस भी आएंगे। और यहां पे ओपन कंपटीशन की बात पूरी तरीके से जो शुरू हुई थी वो खत्म हो गई थी। अब अगर हम बात करें दूसरे एक्ट की, तो दूसरा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये हमारे जो चार्टर्स आए हैं, देखिए हर 20 साल पे आपको देखेंगे, लगभग लगभग 20 साल में ये बार बार आते थे। तो 1833 के बाद 1853 फिर दूसरा एक्ट आया। यहां पर क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यहां पर इसके जो काउंसिल थी उसको सेपरेट कर दिया गया। यहां पे जो काउंसिल थी इसको क्या किया गया, यहां पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब आप क्या समझ रहे हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाला, और एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो रूल्स बनते थे इसको इंप्लीमेंट कैसे कराया जाए, कैसे रन कराया जाए। तो यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को रन कराने की बात होती थी। यहां पर जो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन था गवर्नर जनरल काउंसिल का, यहां पर इसको जो लेजिस्लेटिव फंक्शन करता था उसका नाम गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, एक और नाम इसको दिया गया था। और साथ ही साथ इसको हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते थे, क्योंकि ये इंडिया में था। और यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया को ज्यादा मेंबरशिप मिलेगी, तो यहां पर आप इसका नाम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखा गया। और इसके मेंबर कितने थे, इसके 6 मेंबर थे। और इन 6 मेंबर से फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन भी लिया गया। और लोकल रिप्रेजेंटेशन में, लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो लोकल प्रोविंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे वहां पे 4 मेंबर्स डायरेक्टली इंडियंस को ही लिया गया, जो कि यहां पर मद्रास से लिया गया, बॉम्बे से लिया गया, बंगाल से लिया गया और आगरा से लिया गया। और ये जो फंक्शनिंग होती थी गवर्नर जनरल काउंसिल्स की, ये क्या था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था इनका, ये मिनी पार्लियामेंट की तरह भी काम करता था। जो आज पार्लियामेंट है, जो सारे फंक्शन करता था, वो सारे फंक्शन ये काउंसिल जो लेजिस्लेटिव वाली थी ये सारे फंक्शंस करती थी। तो यहां पर आप ये समझ गए हैं, पहले पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और फिर दूसरा, दूसरा देखिए यहां पे क्या कह रहा है, जो हमने 1833 में जो कंपटीशन इंट्रोड्यूस कराया था वो फिर से यहां इंट्रोड्यूस कराया गया, और यहां पर इंडियंस को क्लियर पैसेज मिल गया, अब वो पूरी तरीके से कंपटीशन में उतर सकते थे। और वो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए वो कंपटीशन में बैठ सकते थे। कोवेनेटेड सिविल सर्विस का क्या मतलब आप समझते हैं, हायर सिविल सर्विसेज। और अनकोवेनेटेड मतलब हुआ कि जो छोटे सिविल सर्विसेज हैं, जैसे आप समझ सकते हैं हायर सिविल सर्विसेज आईएएस, और जो हम यहां पर छोटे सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं वो अनकोवेनेटेड सर्विसेज में आते थे।
हम यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरह का एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली वो नहीं था। यहाँ पे कंप्लीटली हम डिस्टिंग्विश करते थे ब्रिटिशर्स में और इंडियंस में। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है, ये हायर अथॉरिटी थी उस समय, और ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया, मैकले कमेटी ने करवाया था। तो मैकले कमेटी जो थी ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1854 में, और इसीलिए मैकले, लॉर्ड मैकले को फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है बिल्कुल। और तीसरा चीज क्या हुआ इस एक्ट से, इस एक्ट से कंपनी रूल को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब कि अब जो भी पावर कंपनी रूल देख रहा था वो करेगा, लेकिन अब वो ब्रिटिश क्राउन के लिए करेगा। जो भी इंडियन टेरिटरी में जो भी वो काम करेगा वो ब्रिटिश क्राउन के लिए करेगा। और यहां पर क्या क्लियर इंडिकेशन था, यहां पे क्लियर इंडिकेशन हमको ये मिल जा रहा है कि अब जो कंपनी रूल था, मतलब कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किसी भी समय हटाई जा सकती थी। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ये एक्ट जितने भी हैं प्लीज आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन मिस कर देंगे अपने एग्जाम में। अब यहां पर हमने कंपनी रूल को खत्म कर लिया है, अब हम यहां पे क्राउन रूल को शुरू करने जा रहे हैं। और क्राउन रूल कैसे शुरू हुआ आखिर 1858 में, तो आपको याद दिला दूं मैं, 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुई थी, सैनिक विद्रोह हुआ था जो कि मेरठ से शुरू हुआ था, और फिर बहादुर शाह की तरफ लोग बढ़े जो कि दिल्ली में थे, मुगल एम्परर थे, उनको अपने अंडर में करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो उनके किंग बने, और ब्रिटिश जो रूल कर रही है इंडिया पे उनको वो हटाए, और इसमें बहुत ज्यादा लोग मरे। डायरेक्टली क्या हुआ, सिपाही जो लोग थे और जो लोकल लीडर्स थे वो मिलके ब्रिटिश क्राउन को हटाना चाहते थे, ब्रिटिश को हटाना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी उनको हटाना चाहते थे। और इसमें वो काफी कुछ उन्होंने इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी हैम्पर भी किया था, उनको डर लग गया था कि कहीं अब जो हम रूल यहाँ पे कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अब खत्म ना हो जाए, क्योंकि सिपाही म्यूटिनी काफी बुरी तरीके से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर फिर पूरी तरीके से क्रश किया गया उनका, ये जो मूवमेंट चल रहा था इसको क्रश किया गया। और एक साल के बाद जब वो पूरी तरीके से क्रश कर दिया सिपाही म्यूटिनी को इन्होंने, फिर इन्होंने एक एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और कहा गया कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गुड गवर्नेंस के लिए, इसलिए हम अच्छे से रूल करना चाहते हैं, हम अच्छा आपके लिए करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो फिर से इनको इन्होंने बेकूफ बनाया, इंडियंस को फिर से इन्होंने बेकूफ बनाया। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है इसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1853 में बना था, सॉरी 1833 में बना था, आपने ये चीज देखी, उसको हटाकर इन्होंने वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया क्या था, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, मतलब कि अब ये बहुत क्लोज होगा ब्रिटिश क्राउन के, और ये सारे काम ब्रिटिश क्राउन के ही निगरानी में करेगा, जो ब्रिटिश क्राउन कहेगा वही ये करेंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को पूरी तरीके से हेल्प मिलने वाली थी। तो ऐसे पहले वॉइसरॉय कौन बने, बने लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन को हेल्प किया गया, उन्होंने हेल्प किया, और इससे इंडियंस पे काफी ज्यादा हम लोग को सताया गया। और यहां पर देखिए जब इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव आ गए तो अब जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। डबल गवर्नमेंट क्या था, डबल गवर्नमेंट यहां पर देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से आया था, और क्विट्स इंडिया एक्ट से आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये आया था 1784 में। इन दोनों को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ
कोई ना कोई मेंबर था जो कि कंपनी का था, तो ये अब पूरी तरीके से अबॉलिश कर चुके थे अभी हमने देखा है। तो अब वो चाहते नहीं थे कि उनका कोई भी आदमी यहां पर रहे, तो ये पूरी तरीके से उन्होंने इसको हटा दिया। और वाइसरॉय के साथ साथ इन्होंने नया ऑफिस एक जनरेट किया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये इंडिया के लिए इन्होंने बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये मेंबर था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। तो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है तो इसका मतलब कि वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगा, पार्लियामेंट से डायरेक्टली ये आदमी आके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में बनता था। तो ये क्या था, ये बहुत पावरफुल भी था क्योंकि पार्लियामेंट में से ही वो आया था, तो उसके पावर बहुत ज्यादा थी। और इसको क्योंकि पूरे इंडिया पे रूल करना था तो उसके लिए इनको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। ये डायरेक्टली इंसिस्ट करते थे कि क्या करना है इनको, और ये एडवाइजरी बॉडी थी। इसके बोलने का मतलब बस इतना था कि वो हेल्प करने के लिए सजेस्ट कर सकते थे, वो रूल नहीं बना सकते थे। रूल बनाने का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही होता था। और साथ ही साथ ये जो एडवाइजरी बॉडी थी 15 मेंबर की, इसका चेयरमैन भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता था। तो सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही थी, ये सिर्फ सजेस्ट करने के लिए था 15 मेंबर का जो बॉडी था। और इसी के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल भी बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह काम करता था, कंपनी की तरह काम करता था। इसका मतलब कि अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल था इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बिजनेस में, तो वो किसी को भी कोर्ट में केस कर सकते थे, वो किसी को भी कोर्ट में घसीट सकते थे और कोई भी इनके ऊपर केस कर सकता था। ये चीजें हमने यहां पर देखी है। ये देखिए यहां पर हमने ये कंप्लीट कर दिया है, और अगला जो हमारा इसमें एक्ट आएगा वो अब बहुत जल्द मैं लाऊंगा। अभी लिखने में काफी दिक्कत होती थी तो टाइप में जल्दी से हो जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए ये लाता रहूंगा, और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये लेक्चर तो सब्सक्राइब करिए पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और बेल बटन दबाना प्लीज मत भूला करिए आप लोग, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाता हूं हर कोई आप लोग कह रहे हैं कि आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आप बेल बटन दबा दें। बेल बटन दबाने के बाद आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी, खुद से ही आप इन्फॉर्म हो जाएंगे, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगा। और शेयर करिए अपने दोस्तों से इस वीडियो को, ऐसे ही वीडियो और मैं लाता रहता हूं समय समय पर, और कमेंट करिएगा अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। ये मिशन सक्सेस 2020 का वीडियो है, यहां पर आप ऐसे वीडियोस आपके लिए आता रहेगा। मिशन सक्सेस में और भी हम वीडियोस ला रहे हैं जहां पे वर्णमाल चल रहा है, और भी हम जो भी मॉडर्न इंडिया का है बुक वो, और जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कि शंकर आईएएस की बुक, ये सारी बुक मैं शुरू कर दूंगा और धीरे धीरे सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, और आप यहां पर काफी अच्छे से सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू, वी विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।